कर रहे हैं बिल्कुल एंथैल्पी, और एक और एंथैल्पी हमारा इंतजार कर रही है और उसका नाम है हमारे लिए बॉन्ड एंथैल्पी। याद है लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, लास्ट पॉइंट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमारे लिए किसी भी बॉन्ड को डिसोसिएट होने पर जो चेंज हो रहा है एनर्जी वो बताती है, ठीक है। तो किस तरह से हम डेफिनेशंस लिखेंगे, इट शो द ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन वन मोल ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड डिसोशिएट, डिसोशिएट स्पेसिफिक बॉन्ड डिसोशिएट। फॉर एग्जाम्पल यहां हमारे पास जो होगा उससे क्या होगा, दो कार्बन हो रहे हैं, तो यहां जो भी डेल्टा एच होगा वो कहलाएगा डेल्टा एच, या बॉन्ड एनर्जी हम बोल देंगे बॉन्ड एनर्जी सी सिंगल सी। पक्का? अगर डबल बॉन्ड टूट रहा है तो हम इसको बोलेंगे यहां जो डेल्टा एच हो रहा है वो होता है बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी। ये बात नहीं है कि ये इसका डबल होगा, नहीं, बस ये जरूर है कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी और ट्रिपल बॉन्ड की तो और भी ज्यादा होगी। डेल्टा एच इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी सी ट्रिपल बॉन्ड सी। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इन दोनों के बराबर, समेशन के बराबर होगी। गलत सोचते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक और पॉइंट, अगर हम बात करेंगे ये बॉन्ड है तो बताइए यहां आपके पास दो कार्बन और दो हाइड्रोजन बन रहे हैं और वो भी गैसेस फॉर्म में, और ये भी गैस होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये जब गैस से यहां डिस्कम्पोज हो रहा है इस जगह, तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे देखेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं यहां पर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको, दो, और दूसरा प्लस बॉन्ड एनर्जी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कितने बॉन्ड है, एक। तो हम इस जगह डेल्टा एच की वैल्यू ये रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके लिए कितने बॉन्ड टूट रहे हैं उससे रिलेटेड है, बस मोल होने चाहिए। अगर आपने ये वन मोल लिया तो इस मोल में कितने मोल सी एच बॉन्ड होंगे, दो, और सी सी बॉन्ड कितने होंगे, तीन, एक, सी ट्रिपल बॉन्ड एक मोल होगा, एक मोल होगा, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास बहुत इजी पॉइंट रहा जो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब आता है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ये किस पे डिफाइन हो रही है, रिएक्टेंट पे या प्रोडक्ट पे, रिएक्टेंट पे। तो किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट होती है। बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहां पर इस तरह का कोई कंपाउंड दिया जाता है H2+ जो भी दिया जा रहा है आपके लिए, और मैंने यहां पर ले लिया C2H4, और किस पे ये हमने ले लिया, इथाइलीन, इथाइलीन, ये हमने ले लिया हाइड्रोजन, ये किस पे चेंज हो रहा है, गैस, गैस, और ये C2H6
एल्केन। तो हमारे पास हाइड्रोजन, इथाइलीन, एल्केन चेंज हो रहे हैं, और इस जगह हमसे पूछा जा रहा है फाइंड डेल्टा एच। तो अगर आपको यहां पर बोला जा रहा है इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच वो दिया गया है 250 किलो जूल पर मोल, और एक दिया है सी एच बॉन्ड वो दिया जा रहा है आपको 200 किलो जूल पर मोल। हमें और क्या चाहिए यहाँ पर? सी एच भी चाहिए, सी एच बॉन्ड वो दिया जा रहा है हमारे को 220 किलो जूल पर मोल, और एक और बॉन्ड चाहिए हमें सी डबल बॉन्ड, सी बॉन्ड, और वो हमारे पास दिया जा रहा है 270 किलो जूल पर मोल। हमें ये कुछ डाटास दिए हैं और इसके लिए डेल्टा एच हमसे पूछा जा रहा है। जो भी है डाटास दिए गए, हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, ठीक है ना? तो मैंने अपनी तरफ से ये डाटास लिख दिए और काफी हद तक सही भी है। अभी नहीं, यहाँ इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो बॉन्डिंग का पार्ट हो गया पूरा। हमें यहाँ पर ये सब क्वेश्चन का पार्ट हो गया और डेल्टा एच हमसे पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप? आपके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में आपको कौन कौन से बॉन्ड दिखेंगे? हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन 250 प्लस, इथाइलीन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन वाले बॉन्ड कितने हैं? एक, और कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? चार। पक्का? तो चार बॉन्ड का मतलब आपके पास कितने हो गए? सी एच 4 × 220 माइनस। अब प्रोडक्ट देखिए, C2H6, इसके अंदर सिक्स बॉन्ड है, कौन से? कार्बन कार्बन वाले यानी 200 प्लस। सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल कार्बन हाइड्रोजन वाले से, तो ये आ जाएंगे 220, सही है। और सी सिंगल बॉन्ड, सी आपके पास कितना है? एक, जो कि 200 है। तो ये वैल्यूज आपको इस तरह से करना है। लेकिन क्या हो जब एक भी सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड में हो, तो आप क्या ये फॉर्मूला लगा पाएंगे? लगाने का तरीका अलग होगा, कैसे देखते हैं। तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, और वो पॉइंट होगा इफ, यहां पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और बोथ इज ऑब्लिक आर लिक्विड और सॉलिड इन स्टेट, देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शंस, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैन कैलकुलेट बाय फॉलोइंग अप्रोच, फॉलोइंग अप्रोच। कैसे करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंपाउंड है ए, जो कि बी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, और इनमें बॉन्ड एनर्जीज भी है, ठीक है ना? और ये सी जो कि गैस है, कुछ इस तरह का हो रहा है कंपोजिशन। तो अब आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अप्रोच से। पहले ए को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? गैस में। कर दिया आपने, सही है, बोलो यस। तो इसका मतलब आपके यहां पर एक और बॉन्ड एनर्जी है, और वो क्या है? गैस वाली भी है आपको, यानी सॉलिड से गैस के लिए भी बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, वो कोई भी बॉन्ड हो, उस बॉन्ड को मैं यहां पर सबलिमेशन एनर्जी भी बोल सकता हूं।
और इसको भी तोड़ना पड़ेगा, और ये आ जाएगा बी गैस, सी ऑलरेडी गैस में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बॉन्ड एनर्जी का नाम क्या हो जाएगा? लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए कौन सी बॉन्ड एनर्जी होती है, जल्दी से बोलो। लिक्विड को बॉन्ड एनर्जी, हाँ बेटा, वेपोराइजेशन। और इसको क्या बोलोगे, डेल्ट बॉन्ड एनर्जी, मैं इसका नाम दे देता हूँ सब्लिमेशन। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको नॉर्मल बॉन्ड तोड़ने के अलावा ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, और यहां पर आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये एक तरह से मैंने इनको भी एक तरह से बॉन्ड एनर्जी में कमेंट कर लिया है। तो अब आपको यहां पर जब डेल्टा एच निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट, ठीक है, प्लस बॉन्ड एनर्जी स्टेट चेंज वाली भी लेनी पड़ेगी आपको, स्टेट चेंज माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ स्टेट चेंज। एक अच्छी बात यह है कि ये जितनी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, ये ले लीजिए, ठीक है। अब अच्छे से समझ में आ गया आपको? तो यहां ये अप्रोच अगर आपने लगा दिया तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्वेश्चंस करना बहुत आसान रहेगा। और जो पॉइंट मैं बोल रहा था वो भी ध्यान से सुनिएगा। इन अबव एग्जाम्पल, इन अबव इक्वेशंस, ऑल आर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशंस एनर्जी या एंथैल्पी, सो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगी, बात ध्यान से सुनना, इनमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली पॉजिटिव। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा एच में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, ये 100 हो पॉजिटिव का, ये माइनस, ये भी 100 हो तो 0 हो गया, ये 100 हो ये 200 हो, तो 100 माइनस 200 तो कितना हुआ, माइनस 100। तो डेल्टा एच में भी पॉजिटिव नेगेटिव, बट बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी नहीं है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। तो अगर आपने ये करा तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, लिखें इसको। और अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल समझाने के लिए, ये है आपके पास, फाइंड डेल्टा एच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, रिएक्शन है H2+ ½O2, कन्वर्ट H2O लिक्विड, ये गैस दिया है, ये गैस दिया है, बिल्कुल सही है, और ये लिक्विड दिया है। तो हमें क्या क्या दिया जाना चाहिए इसके लिए, चलिए फर्स्ट ये दिया जाना चाहिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच, मैंने कुछ भी दे दिया, 250 दे दिया किलो जूल पर मोल। वास्तविक डाटा से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अभी बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है तो मैं डबल बॉन्ड ही दूंगा, सिंगल दे ही नहीं सकता, देता हूं तो उसका कोई यूज भी नहीं होगा। इज इक्वल टू, मैंने यहां पर दे दिया 300 किलो जूल पर मोल, और मुझे चाहिए बॉन्ड एनर्जी एक और वो है एच और ओ, और ये मैंने दे दिया आपको 280 किलो जूल पर मोल। अब एक और मैंने दे दिया
डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ H2O, ये मैंने दे दिया आपको कुछ इस तरह का दे दिया, 80 किलो जूल पर मोल। आपके लिए सॉल्यूशंस करना है और वो भी विद इन वन स्टेप्स। सॉल्यूशंस डेल्टा एच रिएक्शंस क्या हो जाएगा आपके लिए, आपको मैंने इक्वेशंस पहले ही लिख रखा है, ये रही। तो लिखना चालू करें, H2 के अंदर बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 250 मल्टीप्लाई बाय 1, एक ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड है, प्लस 1/2 क्योंकि हाफ मोल है वो। O2 के अंदर कितने मोल है, एक, हाफ मल्टीप्लाई बाय 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 280 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, माइनस 240 किलो जूल। डेल्टा एच रिएक्शन की यूनिट हमेशा किलो जूल होगी, बाकी ये सारी वैल्यू किलो जूल पर मोल, आपने इसको मोल से मल्टीप्लाई करा है तो वो किलो जूल पर मोल मल्टीप्लाई बाय मोल किलो जूल हो गया। कितना सही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, समझ लिया अच्छे से। एक और एग्जाम्पल करते हैं, केस स्टडी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है, बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह मिलेगा मेरे नोट्स में, और वो ये है यहां पर, इफ रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी प्रेजेंट इन कंपाउंड, तो हम कैसे सोचेंगे, अगर रेजोनेंस भी है तो उसे कैसे सोचेंगे, देन हम वी जस्ट थिंक लाइक रेजोनेंस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, रेजोनेंस ऑब्लिक एरोमेटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी हम उसको भी ऐड कर देंगे, आप बस उसको भी वैसे ही ऐड करेंगे वहां पर जहां बॉन्ड एनर्जी है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये बेंजीन है आपके पास, ठीक है, 15/2 O2, समझ में आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास 6H2 प्लस 6CO2 प्लस 3H2, कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना, 6 2 12 3 15 बिल्कुल आ गया है। यहां पर टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है और ये लिक्विड, ये गैस, यहां गैस और ये लिक्विड। अब लो, तो क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो आपको एरोमेटिक एनर्जी दी है तो यूज कर लो, नहीं दिया है तो मत यूज करो, तब पूछा जाएगा, या वो दे ही नहीं रहा तो इसका मतलब एरोमेटिक एनर्जी और एनर्जी के कंपेयर में इतनी कम है कि वो नेग्लिजिबल मान रहा है एग्जामिनर, समझ में आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि वो नेग्लिजिबल मान रहा होगा इसलिए नहीं यूज कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैं यहां पर दे रहा हूं तो इसका मतलब इसको मैं बोल सकता हूं रेजोनेंस एनर्जी या एरोमेटिक एनर्जी, और बेंजीन
मैंने कुछ भी दे दिया, मैंने इसको दे दिया 40 किलो जूल पर मोल, रैंडमली डाटा है, क्योंकि ये लिक्विड है। तो एक और चीज रहेगी आपके पास, और वो होगा वेपोराइजेशन एंथैल्पी। वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन मैंने दे दिया 80 100 दे दिया, थोड़ा सा ज्यादा, 100 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा मैंने एक और वेपोराइजेशन एंथैल्पी दे दिया, ऑफ H2, वो मैंने दे दिया 80 किलो जूल पर मोल। अभी भी मुझे बहुत सारी बॉन्ड एनर्जी देना है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो कि यहाँ काम काम आएगी, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ काम आएगी, और कौन सी एनर्जी आएगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जो यहां पर है, ठीक है। इसके अलावा और कोई एनर्जी चाहिए? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, एक और दिख रही है, और वो है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये तीन बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, मैंने रैंडमली ले लिया OH की बॉन्ड एनर्जी 260, 300, 240, 320, 340, 260, ये सब डाटास दे दिए आपको। बताइए कैसे आप इसको यूज करेंगे? आपके लिए बहुत इजी है सॉल्यूशन बनाना। जितनी भी रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट, ये हमारा बेसिक है। और रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी में हम उसका वेपराइजेशन भी ले लेंगे और रेजोनेंस भी ले लेंगे। यहां रेजोनेंस है, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो जितने बॉन्ड यहां टूट रहे हैं जिस तरह के रिएक्टेंट में, वो इस तरफ, और जितने यहां टूट रहे हैं वो इस तरफ। तो स्टार्ट होते हैं हम इज इक्वल टू बॉन्ड। सबसे पहले लिक्विड को वेपर में चेंज करो, एरोमेटिक नहीं, ये रहा वेपोराइजेशन बेंजीन, कितना हुआ 140। ये तो हमारा चेंज हो गया यहां तक, या पूरा किस में आ चुका है, एक नॉर्मल कंपाउंड में चेंज हो चुका है। प्लस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले कितने बॉन्ड है इसमें, तीन, तो 3 × 240, क्योंकि अब हमने रेजोनेंस तोड़ दिया है, तो मैं डॉटेड नहीं होके सिंगल सिंगल लेना है, एक कार्बन सिंगल कार्बन, कार्बन सिंगल कार्बन, कार्बन सिंगल, और 3 ही आपके पास मल्टीप्लाई है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कहां दिख रहा है कार्बन, 300, हाँ या ना। प्लस और भी है हमारे पास, कार्बन सिंगल कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड कितने हैं यहां पर, 6, 260, पक्का। और भी हमारे पास है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो कि कितना है 15/2, ओ टू ओ टू ओ टू ओ टू ओ के बीच में 340। ये तो वो है जो हमारे सारे बॉन्ड इस तरफ टूट गए, रिएक्टेंट साइड में जितने भी तरह के बॉन्ड टूटे हैं। अब प्रोडक्ट साइड में हमारे पास कितने बॉन्ड टूटे हैं देखते हैं हम, माइनस, ये पूरा प्लस, अब माइनस से स्टार्ट करते हैं, माइनस थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे, माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले 3 × H2O की वेपराइजेशन हमारे पास है, एंथैल्पी ऑफ H2O 80, हमने ये H2O को वेपर में ले लिया, ठीक है, यस और नो। अब प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, दो, और तीन मॉलिक्यूल में कितने होंगे, छह, तो चाहो तो 2 × 3 × HO बॉन्ड ढूंढो, H और O बॉन्ड कितना है, 260 प्लस।
इसका काम खत्म हो गया हमारा पूरा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि C डबल बॉन्ड O वाले यहाँ पर दो हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और C डबल बॉन्ड O कहाँ है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, 320. तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ऐसा करने से आपका आंसर आ जाएगा. सही किया आपने, आपको कंसेप्ट समझ में आया. आपको यहां पर हो सकता है मैं सारी वैल्यू दे देता, ये भी ये डेल्टा एस दे देता और ये पूछ लिया जाता, बताओ इसकी एरोमेटिक एनर्जी क्या होगी, तो निकाल लेते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉक कर दिया जाए, तो कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है. आप लिखें इसको,